हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसा कि हमने आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ए अनदर कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू लिम्फ। लिम्फ के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो लिम्फ क्या होता है, क्या उसका मेन फंक्शन होता है और किस तरह से ये बनता है। देखो, ज्यादा डिटेल स्टडी आपके सिलेबस में 10th लेवल पे इसके अंदर नहीं है, लेकिन हम थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ते हैं। लिम्फ क्या होता है। लिम्फ इज ए वाइट, इट इज ए वाइट वेस्कुलर, वाइट वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, वाइट वेस्कुलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू लाइक ब्लड, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, लिम्फ जो है वो ब्लड की तरह क्या होता है, व्हाइट वेस्कुलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। जैसे कि ब्लड एक वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, वैसे ही लिम्फ भी क्या है, एक व्हाइट कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है ना, व्हाइट कलर का होता है, ट्रांसलूसेंट होता है। ठीक है ना, कैसा होता है ये, ट्रांसलूसेंट होता है एंड एल्केलिन होता है, ट्रांसलूसेंट एंड एल्केलिन इन नेचर होता है। ओके, तो जो लिम्फ है वो कैसे बनता है, फॉर्म कैसे होता है और कहां पर होता है। देखो, जैसे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है, उसी तरह से लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ये जो लिम्फ का जो एक सिस्टम बनता है, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, उसके अंदर लिम्फ सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी के अंदर और ट्रांसपोर्ट करता है मटीरियल। ठीक है, तो अभी देखो कि लिम्फ क्या होता है। लिम्फ के अंदर जो ज्यादातर क्या होता है, इट कंटेन जो कंपोनेंट ऑफ द लिम्फ है, कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फ क्या क्या आता है इसके अंदर, कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फ के अंदर क्या आता है, ये टिश्यू फ्लूइड होता है। एक तरह से क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड होता है। कैसे बनता है टिश्यू फ्लूइड, इट इज ए टिश्यू फ्लूइड, किस तरह से बनता है। इट कंटेन ब्लड पार्ट, ब्लड का पार्ट होता है इसके अंदर, विच इज रिमेनिंग इन द टिश्यू, क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन रिमेनिंग इन टिश्यू, टिश्यू के अंदर रह जाता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। किस तरह से, जैसे मान लो कि ये एक टिश्यू है, ठीक है, और मैं दो ही कैपिलरी यहां पर ड्रॉ करूंगा, पहले ब्लड कैपिलरी, दीज आर द टू ब्लड कैपिलरीज। बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है, जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था, कैपिलरीज के बारे में पढ़ा था। अब इसके अंदर से क्या होता है, इधर से जो आर्टरी है वो क्या लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। दिस ब्लड एंटर इन द टिश्यू फ्लूइड, यहां पर कौन सा फ्लूइड ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिस टिश्यू में जाएगा उस टिश्यू का एक फ्लूइड होगा, उस टिश्यू के अंदर एक लिक्विड होगा, ठीक है ना, तो उस टिश्यू फ्लूइड के अंदर मिक्स हो जाता है ये ब्लड। ओके, थ्रू द कैपिलरी वॉल, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 20 लीटर लगभग क्या होता है, ब्लड इस तरह से टिश्यू के अंदर जाके मिलता है। उसके अंदर से क्या होता है, जब ये यहां पर टिश्यू के अंदर जो ब्लड एंटर किया, कैपिलरी के थ्रू ये ब्लड है वो टिश्यू फ्लूइड के अंदर मिल जाता है, ब्लड का कुछ पार्ट, सारा का सारा ब्लड नहीं जाता है, कुछ पार्ट ब्लड के इसके अंदर चले जाते हैं और वो वापिस रीअब्सॉर्ब भी हो जाते हैं। ये पार्ट है वो वापिस रीअब्सॉर्ब भी हो जाते हैं, यानी कि वेन से जब निकलता है तो वापिस रीअब्सॉर्ब होके निकलता है, लेकिन सारा का सारा ब्लड यहां पर रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो सारा का सारा ब्लड अगर रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, टिश्यू फ्लूइड के अंदर क्या हो गया, कुछ ब्लड का पार्ट भी क्या है, एड हो जाता है। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, लिम्फ बनाते हैं। अंडरस्टैंड, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, लिम्फ बनाते हैं। अब इसके अंदर जो 20 लीटर यहां पर जो टिश्यू के अंदर जो ब्लड का पार्ट गया है, उसके अंदर 20 लीटर वापिस एब्जॉर्ब नहीं होता, लगभग 17 लीटर होता है। अब ये जो 3 लीटर यहां पे बच जाता है वो कैसे होता है, ठीक है ना, मैं पूरी बॉडी की बात कर रहा हूं, एक टिश्यू के अंदर नहीं होता इतना, पूरी बॉडी की बात कर रहा हूं, ठीक है।
तो एक लीटर जो 3 लीटर जो ब्लड बच जाता है ब्लड पार्ट वो लिम्फ के अंदर चला जाता है, इसके लिम्फ बना लेता है वो, ठीक है। तो ये क्या है, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं, टिश्यू फ्लूइड होता है, ब्लड पार्ट होता है, और जो ब्लड पार्ट है उसके साथ साथ क्या होता है दूसरा कंपोनेंट इसका, टिश्यू फ्लूइड होता है, टिश्यू फ्लूइड, ठीक है ना। अब ब्लड का कौन कौन सा पार्ट रहता है, इन दोनों पार्ट से क्या बनता है, लिम्फ बनता है, और लिम्फ की जो मेन कंपोजिशन है वो क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो लिम्फ के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा पार्ट, आरबीसीज नहीं होते हैं, ब्लड प्लाज्मा होता है, जैसे कि व्हाइट होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, ठीक है ना। ब्लड प्लाज्मा जैसे होता है उसी तरह से ये होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं। और दूसरा जो कंपोनेंट होता है जो लिम्फ का, वो क्या होता है, ल्यूकोसाइट इसके अंदर रह जाते हैं कुछ, ठीक है। तो जैसे कि WBCs हैं, सम ऑफ द WBC इनके अंदर होती है, ठीक है। अब ये सारा का सारा लिम्फ जो है, मेन कंपोजिशन इसकी ये है, दिस लिम्फ, ये जो लिम्फ है वो क्या होता है, कैरीड और सर्कुलेटेड बाय, ये लिम्फ जो है वो क्या होता है, सर्कुलेटेड बाय लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ये क्या होता है, सर्कुलेट होता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ, जिसके बारे में हमने ये पढ़ा है, लिम्फ ये होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर जो ब्लड का रिमेनिंग पार्ट है वो होता है, जो टिश्यू के अंदर रह जाता है। देखो जैसे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के दौरान जो ब्लड का कुछ पार्ट है, देखो ब्लड के और बॉडी के अंदर, बॉडी टिश्यू के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, और वो किस तरह से होता है कि ब्लड जाता है न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन लेके टू द एवरी बॉडी टिश्यू, हर एक बॉडी टिश्यू के पास ब्लड जाता है क्या लेकर, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन लेके, ठीक है। अब उसके अंदर क्या हुआ कि जो ब्लड गया टिश्यू के अंदर, तो वहां पर वो ब्लड कैपिलरी के थ्रू टिश्यू फ्लूइड के अंदर चला जाता है, मिक्स हो जाता है, उसके अंदर से निकल जाता है ब्लड कैपिलरी के अंदर से, और जब वो टिश्यू फ्लूइड के अंदर गया, जब यहां पे ब्लड आ चुका है, जब इसके अंदर ब्लड आएगा तो यहां पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाएगा, जो चीजें टिश्यू को जरूरी है वो चीजें टिश्यू इसमें से एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ जो डाइजेस्टिव फूड है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, एंजाइम्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ऑक्सीजन इसके अंदर से ले लेगा, और अपना जो वेस्ट मटेरियल है टिश्यू का वो ब्लड के अंदर, इस स्ट्रीम के अंदर छोड़ देता है। अब ये ब्लड जो वेस्ट मटेरियल है ये वापिस लेके क्या होगा, कैपिलरी के अंदर चला जाएगा, और ये ब्लड यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और विद लिक्विड वेस्ट लेकर यहां से निकल जाएगा, ये वापिस हार्ट के अंदर चला जाएगा, और हार्ट इसको वापिस लंग्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करके इसके अंदर से वापिस ऑक्सीजन ऐड करके कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करके इसको भेज देता है, ठीक है ना। इसके अंदर बाकी के जो लिक्विड वेस्ट जो आते हैं ब्लड के अंदर वो कहां रिमूव होते हैं, वो नेक्स्ट जो प्रोसेस है, अभी हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जो प्रोसेस आएगी हमारी एक्सक्रेशन, उसके अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है कि इसके अंदर जो कुछ जो पार्ट है ब्लड का, सारा का जितना पार्ट टिश्यू के अंदर आता है उतना पार्ट वापिस रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, ठीक है ना, उतना पार्ट रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, कुछ ब्लड का पार्ट है वो क्या रह जाता है, टिश्यू के अंदर रह जाता है, और वो आरबीसी नहीं रहती है ना प्लेटलेट्स रहती है, आरबीसी और प्लेटलेट्स वापिस रीअब्जॉर्ब हो जाती है टिश्यू के अंदर से, ब्लड वेसल के अंदर, कैपिलरीज के अंदर, लेकिन जो कुछ WBCs रह जाती है और ब्लड का प्लाज्मा पार्ट मैक्सिमम इसके अंदर रहता है, ठीक है। तो ये क्या बना लेता है, इसको बोलते हैं लिम्फ। अब ये जो लिम्फ है, इस तरह से अगर ये चलता रहा काम, तो जो टिश्यू है वो तो लिम्फ से भर जाएगा, क्योंकि जितनी बार ब्लड आएगा वो क्या होगा, टिश्यू फ्लूइड के अंदर मिक्स होगा, और टिश्यू फ्लूइड से वापिस वो रीअब्जॉर्ब होगा नहीं पूरा का पूरा ब्लड कैपिलरी के अंदर, तो टिश्यू फ्लूइड के अंदर तो क्या होगा, टिश्यू के अंदर तो लगातार ब्लड है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ब्लड की जो कंपोजिशन है, ब्लड का जो अमाउंट है, वॉल्यूम है, वो कम हो जाएगा, और टिश्यू के अंदर वो जमा होने लग जाएगा, एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम किस तरह का होता है, लिम्फेटिक
सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है कि ये एक सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ लिम्फ एंड लिम्फेटिक वेसल्स। And lymphoid organ or lymphatic organs, ठीक है ना, इतनी चीजें इसके अंदर होती हैं। तो lymph के बारे में हमने study कर लिया, lymphatic vessels क्या होती हैं, जैसे कि blood vessel होती है वैसे ही क्या होती है, lymphatic vessels होती हैं, vessels which carries the lymph, lymph को क्या करती है, carry करती है and सर्कुलेट इन बॉडी, बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती है, पूरी बॉडी के अंदर उसको सर्कुलेट करती है, और सर्कुलेशन के बाद में ये क्या करती है, इट ट्रांसपोर्ट, इट आल्सो ट्रांसपोर्ट द लिम्फ, इट आल्सो ट्रांसपोर्ट द ब्लड पार्ट इनटू द वेन, जो ब्लड वेन होती है उसके अंदर वापिस जो ब्लड का जो पार्ट टिश्यू के अंदर रह गया है, अब यहां पर क्या है, जो टिश्यू के अंदर जो ब्लड का पार्ट रह गया है उस पार्ट को लिम्फेटिक वेसल होती है ये क्या करेगी, अब जैसे ये लिम्फेटिक वेसल है, ये लिम्फेटिक वेसल जो रिमेनिंग ब्लड का पार्ट, यहां पे कुछ पार्ट बच गया है, उस पार्ट को ये ले लेगी और कुछ टिश्यू फ्लूइड इसके अंदर होगा, तो इस पार्ट को वापिस वेन के अंदर डाल देती है ये, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि ब्लड की वॉल्यूम मेंटेन रहती है। उसके बाद में ये तो है लिम्फेटिक वेसल्स, जो स्मॉल लिम्फेटिक वेसल होती है और लार्जर लिम्फेटिक वेसल होती है। स्मॉल लिम्फेटिक वेसल का होती है टिश्यू के अंदर छोटी छोटी लिम्फेटिक वेसल होती है, वो सारी लिम्फेटिक वेसल मिलके एक बड़ी लिम्फेटिक वेसल के अंदर मिल जाती है, और वो बड़ी लिम्फेटिक वेसल है वो वेन के साथ जुड़ी होती है, तो यानी कि वो ब्लड, जो ब्लड अपनी वॉल्यूम फिर से उसके थ्रू कंप्लीट कर लेता है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या आता है हमारा लिम्फोइड ऑर्गन या लिम्फेटिक ऑर्गन। तो लिम्फोइड ऑर्गन में क्या क्या आते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन जो है वो क्या क्या है, जैसे स्प्लीन है, ठीक है, थाइमस है, लिम्फ नोड है, तो ये क्या है, दीज आर द ऑर्गन विच प्रोड्यूस स्पेसिफिक डब्ल्यूबीसी टाइप, ल्यूकोसाइट प्रोड्यूस करती है, जिसको क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट बोलते हैं, एक डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस करती है जिसको क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट बोलते हैं, ठीक है। जैसे लिम्फ नोड है, ये जैसे लिम्फेटिक वेसल है, मेन लिम्फेटिक वेसल, इसके अंदर क्या है, लिम्फ नोड है, बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे पॉइंट पे, बहुत सारे जंक्शन पे इसके क्या होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं। यहां पर क्या होती है, लिम्फ नोड पे क्या होती है, लिम्फोसाइट सेल्स आर कंसंट्रेटेड, लिम्फोसाइट सेल्स हैं वो क्या होती हैं, कंसंट्रेट होती है, इकट्ठी होती है, यहां पर बहुत ज्यादा होती है। तो व्हेन द लिम्फ एंटर थ्रू दिस लिम्फ नोड, लिम्फ नोड के थ्रू जब लिम्फ एंटर करता है, क्योंकि अब लिम्फ यहां से बॉडी टिश्यू फ्लूइड है, तो इट मे कंटेन सम बैक्टीरिया और कुछ पैथोजन भी इसके पास हो सकते हैं, बैक्टीरिया और पैथोजन भी इसके पास होते हैं। तो ये जो लिम्फोसाइट क्या करते हैं, दे किल्स द पैथोजन इन लिम्फ, लिम्फ के अंदर जो पैथोजन है वो क्या करते हैं, उनको खत्म कर देते हैं, और एक प्योर लिम्फ को क्या करते हैं, प्योर लिम्फ को ब्लड वेन के अंदर रिलीज करते हैं, ठीक है ना। तो जिससे ब्लड वॉल्यूम वापिस मेंटेन हो जाती है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ आता है वो ध्यान रखना कि उसके अंदर ब्लड का कुछ पार्ट होता है, ठीक है ना, ब्लड का भी कुछ पार्ट होता है और कुछ पार्ट जो है वो टिश्यू फ्लूइड का होता है। तो ब्लड का जो पार्ट रिमेनिंग रह जाता है टिश्यू के अंदर, उसको वापिस ब्लड वेसल के अंदर छोड़ना और जो टिश्यू फ्लूइड है उसको सर्कुलेट करना। तो इसके जो मेन फंक्शंस कौन कौन से आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के, और लिम्फ के मेन फंक्शन कौन कौन से होते हैं, मेन फंक्शंस क्या क्या आते हैं इसके, एक तो क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल,
क्योंकि ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। दूसरा क्या आता है इसका फंक्शन, इट रिटर्न्स द ब्लड फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड से रिटर्न ब्लड का पार्ट है वो वापिस रिटर्न कर देते हैं, जिससे क्या करते हैं ये ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन रखते हैं। मेन फंक्शन ये भी है इसका, ठीक है। साथ में इसके अंदर क्या होता है, इट किल्स द पैथोजन, इसके अंदर पैथोजन भी क्या होते हैं खत्म हो जाते हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करते हैं, क्योंकि इनके थ्रू भी क्या होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाता है जैसे ब्लड के अंदर होता है। दूसरा ये क्या करते हैं, जो ब्लड की वॉल्यूम को मेंटेन रखते हैं, और तीसरा ये क्या करते हैं पैथोजन को खत्म करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट लिम्फ। लिम्फ के बारे में आप जब हायर क्लासेस के अंदर जाओगे तो इसकी डिटेल स्टडी करोगे लिम्फ की। और लिम्फ यहाँ पे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द ब्लड विदाउट आरबीसी, क्योंकि आरबीसी जिनके अंदर नहीं होती, आरबीसी और प्लेटलेट्स के बिना जो ब्लड होता है उसको हम लिम्फ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये क्या होता है, जैसे ब्लड के अंदर यहां पर देखो मैंने एक लिम्फ वेसल बनाई है, लिम्फेटिक वेसल जो मैंने बनाई है उसका एक एंड मैंने बंद रखा है, तो एक एंड हमेशा इनका क्लोज्ड होता है, एंड इनका क्या होता है क्लोज्ड होता है, तो यानी कि टिश्यू से ये कैरी करती है, ना कि टिश्यू के अंदर लेके आ रही है, ठीक है ना। हर टिश्यू से ये क्या करती है, कैरी कर रही है लिम्फ सिस्टम को। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की तरह ये कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं चलता है, लिम्फेटिक जो लिम्फ जो है और लिम्फेटिक सिस्टम है वो कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है जैसे कि ब्लड है। एक एंड ये क्या करते हैं एवरी टिश्यू से लिम्फ को कैरी करते हैं और उनको ब्लड में मिलाते हैं, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो दिस इज द लिम्फ एंड लिम्फेटिक लिम्फेटिक सिस्टम। हायर क्लासेस के अंदर आप आगे इसकी डिटेल स्टडी करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में कि ब्लड प्रेशर किस तरह से हम चेक कर सकते हैं और ब्लड प्रेशर होता क्या है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जब भी नेक्स्ट टॉपिक ब्लड प्रेशर की जो लेक्चर अपलोड होगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।